कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है गाइस गैंगस्टर बिगेस्ट के एक न्यू सीरीज में। तो गाइस इस वाले गेम में आप लोग बहुत मजा करने वाला हूँ, क्योंकि इसका मैं सीरीज बाय सीरीज एपिसोड बनाने वाला। तो मैं पहला अपना बारे में कुछ बता देता हूँ इस गेम के बारे में। यहाँ मेरा गेम में नाम होने वाला है जेसन, और उसके साथ मेरे कुछ दोस्त भी होने वाले हैं, जैसे कि केरन, वीरा, उसके बाद कुछ खतरनाक से गुंडे लोग भी रहने वाले हैं। तो गाइस मैं स्टोरी लाइन समझाता हूँ। यहाँ मेरे कहानी की स्टार्टिंग होता है एक खतरनाक फाइट से, जो कि मैं फाइट करते रहता हूँ, और मुझे कि मतलब जबरदस्ती फाइट कराया जाता है, और उस गेम में मुझे हारने के लिए बोला जाता है उस फाइट में। तो मैं यहाँ पे लगातार तीसरा राउंड जीतता हूँ, उसके बाद मुझे फोर्थ राउंड में डाउन करने के लिए बोला जाता है। तो मैं तीसरे राउंड में उसे मार देता हूँ, और वो बंदा उठ ही नहीं पाता भाई फोर्थ राउंड के लिए। उसके बाद जो गुंडा रहता है वो धमकी देता है मुझे मारने का। उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से उसे मार के निकलता हूँ, तो मैं जैसे ही भागने लगता हूँ, उसके बाद वो अपने गुंडे के साथ मुझे मारने के लिए दौड़ता है। भाई साहब क्या ही बताऊँ, मैं अपनी गाड़ी को जैसे तैसे भगाता हुआ उससे वहाँ से निकलता हूँ, और जैसे कि मैं कॉल लगाता हूँ अपने दोस्तों को मेरी हेल्प करने के लिए, तो वो लोग मतलब कि मैं वो लोग सोचते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, पर ऐसा नहीं था भाई, मैं सीरियसली यहाँ पे मुसीबत में फंस चुका था। और वो लोग पीछे से मेरी गाड़ियों पे गोली वोली चला रहे थे भाई, और मैं कैसे भी करके वहाँ से निकलना चाह रहा था, बट बहुत मुश्किल हो रहा था भाई, क्या ही बताऊँ। उसके बाद वो लोग जैसे तैसे पीछे कर रहे थे, मैं अपनी गाड़ी को भगाता जा रहा था। उसके बाद मेरी गाड़ी खतरनाक टाइप से एक्सीडेंट हो जाती है, और मैं वहाँ पर गिर जाता हूँ। उसके गुंडे आते हैं और मेरे ऊपर सीधा मरते पे गोली एकदम टाम देते हैं भाई। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे आते गुंडा खड़ा हो जाता है, वैसे ही मेरा दोस्त केरन मतलब लड़की है वो आके गाड़ी ठोक देती है भाई। उसके बाद वो मार देती है, और वहाँ से मारने के बाद उसकी गाड़ी में मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं बुरी तरह से यहाँ डैमेज हो चुका था, जख्मी हो चुका था। उसके बाद उसने मतलब कि मुझे बचा के वो ले जाता है। फिर जितना भी गुंडे थे वो लोग मेरा पीछा करने लग जाते हैं। उसने मुझे केरन ने मुझे एक गन दिया था, और उसने बोला कि तुम जितना भी बंदे आ रहे उसे मारते जाओ। मैं मारते ही जा रहा था भाई, सब खत्म ही नहीं हो रहे थे वो लोग बंदे, क्यों आते ही जा रहे थे, हेलीकॉप्टर से भी आते जा रहे, मारते ही जा रहे थे भाई, क्या ही मतलब कि एक तरह से हम लोग का बचना मुश्किल हो गया था। केरन ने उसके बाद दिमाग लगाया कि भाई ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, हम लोग को सीधा यहाँ पे खाई पे कूदना होगा। उसने एक खाई पे देखा, मतलब रास्ते पे बड़ा सा खाई है ऊंची जगह से, वो नीचे की दाई नीचे मतलब गिरा दिया भाई गाड़ी के, और हम लोग दोनों साइड निकल गए। और उन लोगों ने उसके बाद तो उस लोग गुंडे लोग तो पीछे छोड़ दिए, क्योंकि उन लोगों को लगा कि हम लोग मर चुके थे, बट ऐसा नहीं था, हम लोग जिंदा बच गए थे भाई उस खाई से। तो आगे गेम प्ले यहाँ पे कंटिन्यू करते। तो आप लोग वीडियो पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पे नहीं हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भाई, भाई को सपोर्ट दिखाना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मतलब कि नेक्स्ट यहाँ पे उसका मिशन करते, यहाँ पे कंटिन्यू हम लोग करते अपना सीरीज को। तो देख सकते हो यहाँ पे वीरा है मेरे साथ में, और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही इंटर कर चुका हूँ उस वाले मिशन के बाद। तो यहाँ पे देख ही सकते हो, यूज द डोर आइकॉन, इंटर द एग्जिट। ठीक है, हम लोग को ये गाड़ी को है ना पुलिस जितना भी पुलिस है इसके चंगुल से बचा के निकलना भाई। यहाँ पे देख ही सकते हो आप लोग, ओ भाई मतलब कि ये गाड़ी मुझे कैसे भी करके पुलिस के चंगुल से बचा के निकलना भाई। ये गाड़ी में गन्स वगैरह होंगी जो कि हम लोगों को आगे मिशन में बहुत ही काम आने वाली है भाई। यहाँ पे देखते हो चारों तरफ यहाँ पे पुलिस ही पुलिस भरी भरी है, और यहाँ पे लोकेशन भी आ रहा है कि मुझे वीरा के हेड आउट में मुझे पहुंचानी है गाड़ी, जो कि वीरा मेरी फ्रेंड ही है भाई, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वीरा, केरन और ई मैन मेरे फ्रेंड होने वाले इस गेम में। तो भाई सब चारों तरफ यहाँ पे पुलिस ही पुलिस पड़ी हुई है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलने के भाई 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 आराम से रुकनी नहीं अपनी गाड़ी, वरना पता चला भाई पुलिस लोग यही मेरा खात्मा करना दें, बट मैं इसे होने नहीं दूंगा भाई। यहाँ पे प्रॉपर विलन और हीरो, विलन और हीरो दोनों मैं ही हूँ भाई इस गेम में, आराम से भाई कुछ नहीं है। ओके वीरा बोल रही है यहाँ पे मैं तो स्टार बन चुका हूँ भाई इस गेम का। यहाँ पे गन वगैरह सब मिल चुकी है, यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे पुलिस देख सकते हो आगे खड़ी है, क्या यहाँ पे बच सकते हैं हम लोग। ओ भाई वहाँ पे मैं फुल स्पीड में भगाते हुए आ रहा हूँ, यहाँ आप लोग देख ही सकते हो, ओ भाई पुलिस लोग आगे पड़ चुकी है। ओ भाई यहाँ पे पूरी की पूरी पुलिस की यहाँ पे गाड़ी तबाह कर दिया गया है, ये देख सकते हो भाई, इतनी खतरनाक स्टोरी लाइन आप लोग समझ नहीं सकते हो गैंगस्टर बेगस की।
भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड में कैरन है, राइट साइड में जो पका हुआ बाल है उसका नाम है वीरा। उसके साथ हम लोग के और एक दोस्त है जिसका नाम है ईमेल। उसके बाद और कोई कुछ फ्रेंड मिलेंगे तो आप लोगों को ईमेल से बाद में मुलाकात होगी भाई। तो भाई यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट मिशन यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो हम लोग को उसका कुछ पैसा मिल चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। एक कॉल आया है मुझे, कैरन का कॉल आया भाई मुझे, फटाफट से बात कर लेते हैं। ओके गाइस यहाँ पे कैरन ने मुझे एक गन दी है, उसके साथ मेरा मतलब कि यहाँ पे जो सूटकेस होता है वो भी दिया है, उसके साथ एक गाड़ी भी दी है जो कि हम लोगों को काम ही आने वाला है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे फटाफट से गाड़ी को मैं आप लोगों को लेके दिखाता हूँ कि कौन सी गाड़ी मुझे दी गई। यार आप लोग एक पिस्तौल देख ही सकते हो, यहाँ पर एक पिस्तौल है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे फाइटर पिस्तौल यहाँ पे पकड़ा हुआ है, देख लो भाई हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ है। तो आप लोगों को फटाफट से गाड़ी ला के दिखाती कि कौन सी गाड़ी मुझे दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे देख सकते हो यहाँ पे न्यू गाड़ी मुझे दिया गया है, जो कि मतलब कि कहीं भी आने जाने के लिए मिशन वगैरह करने के लिए इसी गाड़ी का हम लोग उपयोग करने वाले हैं, मतलब कि इसी को लेने वाले हैं। तो गाइस अभी मैं गया हुआ था गाड़ी लेने के लिए, उसके साथ ही मुझे एक गन दिया गया है जो कि यहाँ पे देख ही सकते हो कम से खतरनाक है भाई, कैसे दिख रही है देखो भाई, एक बार आप लोग चला के दिखाता हूँ आप लोग को ये गन। ओ भाई मारने के लिए काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे पब्लिक डर जाएगी भाई अगर मैं यहाँ पे गन लगा चलाने लग गया। तो यहाँ पे फटाफट से मुझे जानी है अभी अभी लोकेशन पे, लोकेशन पे जिस लोकेशन पे मुझे वीरा ने कॉल किया था, तो फटाफट से उस वाले लोकेशन पे चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग को ई मैन से मिलने का मौका मिल चुका है, यहाँ पे वीरा ने बताया कि ई मैन के पास जा, वहाँ पे कुछ मतलब कि कुछ सीन हो गया है, वहाँ पे आप लोग को चल के बताते हैं। तो फटाफट से ई मैन के पास चलते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे देख ही सकते हो हम लोग यहाँ पे ई मैन के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। तो भाई ये देख सकते हो यहाँ पे ये ड्रग्स वगैरह खोलता है, यानी कि ये नशा वगैरह सब करता है भाई ई मैन। देख लो भाई फर्स्ट टाइम मीटअप है ई मैन के साथ हम लोगों का, भाई साहब देख ही सकते हो ये क्या ही बंदा है यार। चलो फटाफट से बात कर लेते क्या काम है क्या नहीं। तो ओके गाइस मुझे बता दिए ई मैन ने, मुझे एक बंदे के पास जाना है जो कि उस बंदे के साथ मतलब कुछ कारोबार है, वही से लेने के लिए मतलब कि क्या ही बोलो आप लोग तो जान ही रहो ई मैन। अभी मैंने आप लोग को बताया ये मतलब कि ड्रग्स वगैरह का सेल वेल करता है, तो मैं बंदे से बात करने की यार देने के लिए तैयार है या नहीं। तो आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग आ ही चुके हैं बंदे के पास, क्या ये मानता है अगर सेलिंग वगैरह करने के लिए। ओ भाई वो लोग दोनों निकल गए भाई, यहाँ पे अकेला ये बंदा बचा हुआ है, क्या ये मानेगा। तो ये नहीं मान रहा भाई, ये भाग गया। ओ भाई साहब अभी मुझे लगता है इसे पकड़ना ही होगा, ताकि हम लोगों को ये मतलब ये, अगर ये नहीं पकड़ा जाता है तो शायद से ये पुलिस को भी बता सकता है, हम लोग बुरी तरह यहाँ पे फंस सकते हैं। तो इसे भी किसी भी करके हम लोग किसी भी तरह से करके इसे पकड़ना ही होगा, ये लिटल लिटल जॉय तो इसे छोड़ना नहीं है भाई किसी भी तरह। भाई ये भाई सब ई मैन जो है ना ये थक जाता है भाई, सच बता रहे इतना जल्दी थक जाता है। आप देख ही सकते हो मेरा भी रनिंग थोड़ा स्लो है, बट कोई ना हम लोग किसी भी तरह से इसे पकड़ ही लेंगे। ये कहाँ जाएगा भाई, बच के इधर आ जाएगा। ओ भाई 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 अगर ये बच के चला गया तो बहुत बड़ी मुसीबत में हम लोग फंस सकते हैं। चलो यहाँ पे भाई ये ऊपर से तरफ से जा रहा है, बट कोई ना हम लोग भी यहाँ पे कोशिश करेंगे चढ़ने का, तो यहाँ पे चढ़ ही लेंगे भाई इजी है, जब वो चढ़ सकता है तो हम भी चढ़ सकते हैं। चलो चलो वो इधर साइड भाग रहा है भाई, चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया। वो बच के जाने वाला नहीं भाई, वो भी थक चुका है और हम लोग भी यहाँ पे थक ही गए हैं बहुत थोड़ा बहुत। चलो ई मैन एक काम कर रहा है, ई मैन वो ई मैन है ना उधर साइड मतलब घूम के जा रहा है, हम लोग इधर सीधा इसे दौड़ा रहे, वो आगे से इसे पकड़ लेगा, हम लोग इधर से दौड़ा के इसे पकड़ लेंगे। भाई सब क्या ही प्लानिंग बिठाया है ई मैन ने, बहुत बढ़िया। चलो या अभी इधर से कहीं जाने वाला है नहीं भाई, क्योंकि ई मैन उधर आगे से इसका वेट कर रहा है और हम लोग इधर आ चुके हैं, देख ही सकते हो ई मैन यहाँ पे आ चुका है। तभी से किसी भी तरह करके मार नहीं होगा भाई, मेरे पास तो गन नहीं है, इसे इसे अपने मुक्के से ही मारते हैं भाई साहब, इसे छोड़ने वाले नहीं हम लोग। चलो 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 यहाँ इसका खात्मा हो चुका है, जो कि मुझे किसी भी तरह से करना था, अगर नहीं करता तो मुझे पुलिस का डर था भाई। चलो भाई ई मैन का भी हम लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट में हम लोगों ने ले लिया अपना, तो हम लोग बहुत सारा अच्छा से बात कर लिए ई मैन के साथ और जो चीज़ भी था उसे सॉल्व कर लिया वो मिशन का हम लोगों ने। तो भाई यहाँ पे वीरा ने मुझे मिशन दिया था और उसके बंदे के सामने यहाँ पे मुझे छोड़ दे गया है, अभी मुझे एक मिनट में लोग पूरा ख़त्म करना है
आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे जेल पे मुझे ढाल दिया गया भाई। अगर इसे मैं एक मिनट के अंदर खत्म करता हूँ तो मुझे अच्छे खासे अमाउंट दिए जाएंगे इस काम के लिए। तो भाई यहाँ पे और ही बंदे आने वाले हैं, यहाँ पे देख ही सकते हैं। ओ भाई भाई भाई, चलो चलो जल्दी आ जाओ भाई, एक मिनट के अंदर खत्म करना है मुझे। चलो चलो यहाँ पे तीसरा भी जाएगा। चलो यहाँ पे दो कंप्लीट हो चुके, दो वेव कंप्लीट हो चुके, अभी तीसरा भी आने वाला है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको मारना भाई। ये लो भाई, भाई सब यहाँ पे रेंज वगैरह लेके मार रहे हैं लोग, क्या ही मुसीबत है भाई। चलो आ जाओ आ जाओ, चलो यहाँ पे लास्ट ही आदमी। चलो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे तीसरा वेव भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसके साथ मुझे कुछ पैसे मिले भाई, क्योंकि हम लोगों को कुछ खरीदने में काम ही आएगा। तो आप लोग देख ही सकते हो मैप में, हम लोगों को यहाँ पे जितना भी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, येलो ग्रीन ब्लू, आप लोगों को यहाँ पे मुझे जाके फाइट वगैरह करके अच्छा खासा प्राइज मिल सकता है। हम लोग इसे स्किप करते हैं चलो अभी, क्योंकि गाइस अभी मुझे वीरा का कॉल आया था। वीरा ने मुझे मतलब कि इम्पोर्टेंट काम है इसीलिए कुछ जल्दी बुलाया है। तो फटाफट से वीरा के पास चलते हैं अपनी इस गाड़ी में बैठ के। चलो अपनी गाड़ी को भगाते हैं, हाँ इसके टेस्ट करते हैं भाई कैसा इसका मतलब कि फेसिंग है। तो वहाँ पे भगाते भगाते अपने चलते हैं। आप लोग ऊपर देख ही सकते हो सिनेमैटिक व्यू कैसी चल रही है। तो फटाफट से वीरा के पास चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे वीरा ने मुझे एक लोकेशन पे जाने के लिए बोला है, तो हम लोग उसे फटाफट से उस वाले लोकेशन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। तो फटाफट से उस वाले लोकेशन पे चलते हैं और यहाँ पे ड्राइव भी कर लेते हैं इस गाड़ी का। कैसे स्पीड दे रहा भाई इसका, अच्छा खासा स्पीड ही है। चलो ठीक ही है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे वो उस वाले लोकेशन पे हम लोग आ चुके हैं। तो भाई यहाँ पे देख ही सकते हो दो बंदे यहाँ पर हैं और इसे मुझे मारना पड़ेगा। इसके पास कुछ वेपन्स और पैसे वगैरह भी होंगे जो कि मुझे मार के इसे लूटना है भाई। वीरा ने मुझे ये मिशन दिया है। चलो गाइस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने देख लिया है अभी बहुत गंदी वाली सीन हो चुकी है। तो मुझे किसी भी तरह इसका इन लोगों को मारना है भाई। चलो आ जाओ भाई, मेरे पास गन वगैरह कुछ नहीं है फिर भी मैं फाइट करूंगा भाई इन लोगों से। चलो एक को तो मैंने मार दिया भाई, वो गिर के, चलो वो गिरा हुआ है मरा नहीं है भाई। चलो 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 एक को तो मैंने मार दिया भाई, ये भी नहीं मरा, बस गिर रहे हैं लोग। चलो यहाँ पे मर गया एक, तो दूसरे को यहाँ देखते हैं। चलो यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ पे दो बंदे और आ चुके हैं भाई। आ जाओ आ जाओ, तुम लोग दोनों को अकेले मारूंगा भाई, चारों बंदे को मैं अकेले मारूंगा, देखो ना। चलो भाई, अरे अरे भाई क्या ही बोलूँ, वो लोग गिर जा रहे पर मरने रहे हैं। चलो एक खत्म हो चुका है, दूसरा भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। और यहाँ पे एक बॉक्स है, उसे मुझे लेना है। यहाँ पे गेट द कैरेट, ठीक है यहाँ पे कैरेट है, इसे लेना है। चलो फाइनली हम लोगों ने वीरा का यहाँ पे टास्क कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे फटाफट से वीरा से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी कैरेट हमें मिला गया था उस कैरेट को यहाँ पे ओपन करने के लिए बोल रहा था। हम लोग ओपन करके देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को इस कैरेट से। ओ भाई साहब एक गन मिली है क्या? चलो यहाँ पे नाइस एक गन मिल चुकी है हम लोग को शायद से। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने वीरा का यहाँ पे मिशन कंप्लीट कर लिया है। हम उसके साथ थोड़ा बहुत आप लोग को स्टोरी लाइन समझ भी आ गया होगा। तो आप लोग को कैसे लगा वीडियो? बस आज का वीडियो बस यही तक था। तो आप लोग बताना कैसे लगा वीडियो और इस गेम प्ले का सीरीज आप लोग को कैसा पसंद आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूँ आप लोग को ये सीरीज। तो बस आज का वीडियो बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों का सभी का धन्यवाद। और यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना भाई, अपने भाई को सपोर्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।